हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस बार हम जामनगर आए हैं और जामनगर में बड़ी दोपहर में अभी हम एक्सप्लोर करने निकले हैं। लखोटा तालाब यानी कि लखोटा लेक है, जिसे रणमल लेक भी कहा जाता है। वहीं पर है लखोटा पैलेस, फोर्ट, म्यूज़ियम, तो उसे देखेंगे। और साथ में एक बाला हनुमान का मंदिर है, उसे भी देखने वाले हैं। सो अगर आप जामनगर का ट्रिप प्लान करते हैं या अगर आप सोच रहे हैं कि गुजरात में है और बहुत सारी जगह है पर जामनगर जाना है और क्या देखना है, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। सो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरा आखिर तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो अभी हम पहुंच गए हैं लखोटा लेक, जिसे रणमल झील भी कहा जाता है। ये शहर के वैसे देखा जाए तो बीचों बीच है, पर जिस तरह से इसे बनाया गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमने यहाँ पर एंट्री कर ली है, तो एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा पर पर्सन। और अगर आप अपने साथ कैमरा भी ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपीज़ चार्ज है। पर जब विंटर्स होता है तो यहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, सो अगर आप बर्ड फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो भी आपको कैमरे के लिए पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि एंट्री के बाद तो आपको वो लगेगा, टिकट लगेगा ही लगेगा। सो फिलहाल मैंने एक बर्ड देख लिया है तो मैं थोड़ी सी मुड़ गई हूँ, पर हम यहाँ से पहले चलते हुए लखोटा पैलेस और म्यूज़ियम है वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा वॉक करते हुए, पार्क में तो हमने एंट्री ले ली है, तो यहाँ पर आपको दो बार एंट्री चार्जेस पे करना पड़ेगा और कैमरा चार्जेस जो है वो भी दो बार पे करने पड़ेंगे अगर आप म्यूज़ियम में भी फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो मैं दो बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप पार्क में एंट्री करते हैं तो आपको वहाँ पर भी कैमरा का फीस देना पड़ेगा, 100 रुपया पर कैमरा और 20 रुपया पर पर्सन, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हम जा रहे हैं लखोटा पैलेस और म्यूज़ियम में, तो वहाँ पर आपको पर पर्सन 25 रुपये का टिकट लगेगा और अंदर फोटोग्राफी करनी है आपको तो उसके लिए 100 रुपीज़ और चार्ज लगेंगे, मतलब कैमरा के चार्जेस आपको दो बार पे करने पड़ेंगे। तो वैसे तो मैंने आपको कहा था कि हम लखोटा लेक जा रहे हैं, लखोटा पैलेस, म्यूज़ियम, ये सब देखने वाले हैं, लेकिन अगर आप आम जनता है, यू नो, आप आउटसाइडर्स हैं जो जामनगर के नहीं हैं, उनके लिए मैं ये बहुत साफ तौर पे कहना चाहूँगी कि अगर आप इस जगह पर आते हैं तो सिर्फ अपनी एंट्री टिकट ले, अपने कैमरा वगैरह सब कुछ बाहर ही छोड़ कर आए। हमने म्यूज़ियम का टिकट लिया था तो हमें बताया गया था कि आप अंदर फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ आने पर हमें पता चला कि आप अंदर नहीं कर सकते, आप जो रास्ता है, जो तालाब है, झील है, उसके किनारे पर कर सकते हैं। तो उसका तो ऑलरेडी हमने बाहर से टिकट लिया हुआ था, तो ये दोबारा टिकट लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो बी वेयर कि जब भी आप जामनगर आए और लखोटा पैलेस, म्यूज़ियम या झील लेक के आसपास घूमना चाहते हैं तो सिर्फ अपना एंट्री टिकट लें, अपने कैमरा बिल्कुल बाहर छोड़ कर आए। मोबाइल से आप अपने फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं पर कैमरा बिल्कुल बाहर छोड़ कर आए तो वो पैसे आपके बच जाएंगे। वैसे तो कुछ लोग जो है वो मोबाइल से अंदर भी खींच रहे हैं, अंदर से म्यूज़ियम के अंदर तो मोबाइल से भी फ़ोटो आप नहीं ले सकते हैं,
तो लाखोटा पैलेस या म्यूजियम जब देखना हो तो सिर्फ अपना एंट्री टिकट आप ले। तो पार्क में ही घूमते हुए हम अभी सिटी म्यूजियम में आए हैं। यहाँ पर भी हमने 120 रुपये दिए हैं, 100 रुपया कैमरा चार्जेस और 10-10 रुपये की टिकट ली है अंदर आने के लिए। कितना बड़ा है वो अभी पता नहीं है हमें, पर अंदर से हमें देखने की और मतलब फोटोग्राफी करने की भी परमिशन मिली है। उसी के 100 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किए हैं। यहाँ पर हमें पता है कि जाम साहब जो है उनकी वस्तुएँ हैं और एक चिड़ियाघर है। तो चलिए देखते हैं क्या है अंदर। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं वॉल पेंटिंग्स है, एंड फैन है नीचे रखा हुआ। इस तरह जामनगर की बहुत ही फेमस जो बांधनी है उसको भी डिस्प्ले किया गया है, मतलब सालों पुरानी ही आर्ट है। तो सबसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए काजल और कॉस्मेटिक्स वगैरह है, चूड़िया है। यहाँ आपके थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। राम श्री नखा जी अजो जी, राम श्री रणमल जी लखा जी। तो दूसरे हिस्से में जाम साहब की पीढ़ियों की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको थोड़ी सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी और तस्वीरें देखते हुए ही आपको नीचे उतरना भी है कुछ ऐसे। और साइड में दीवार पे इस तरह से आपको सर तस्वीरें दिखेंगे। तो यहाँ पर म्यूजियम में जैम साहब की वस्तुओं और फोटोग्राफ्स के अलावा आप एक चिड़ियाघर देख सकते हैं, एक छोटा सा एक्वेरियम है। बस म्यूजियम में इतना है। तो लखोटा पैलेस और लेक जो है तो उसके दूसरी तरफ एक सड़क क्रॉस करते ही आप एक मंदिर के पास आएंगे जिसे बाला हनुमान मंदिर कहते हैं। बाला हनुमान संकीर्तन मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पर 1 अगस्त 1964 से कंटिन्यूस, मेरे पीछे जो आप राम धुन सुन रहे हैं खुद कंटिन्यूस तब से चालू है। और यहाँ मंदिर के अंदर जो है वो भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं और ये इस जगह को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिल चुका है। तो जामनगर में अगर आप आते हैं तो इस जगह को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ के वाइब्रेशन आपको एक अलग अनुभूति ज़रूर देंगे। तो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी इस मंदिर के बारे में दे दी है,
हमारे साथ यहाँ पर दिलीप भाई हैं, उनसे भी थोड़ा जानते हैं इस मंदिर के बारे में, क्योंकि ज़्यादा जानकारी तो मेरे पास नहीं है, पर आई एम श्योर ये हमें कुछ और बता सकते हैं इस मंदिर के बारे में। हाँ जी, तो आप मैंने मंदिर विषय थोड़ी जानकारी आपने। हाँ, मुझे जामनगर माँ 1864 श्री क्रम भिक्षु जी महाराज स्थापना चालू करेल बराबर अखंड रामधुन। ओके, पहला एक महीना माटे, पछी बे महीना माटे, पछी सक्सेस लागो એટલે અખંડ રામધૂન નો નિર્ણય લીધો। અચ્છા, તેમનો ધ્યેય હતો 13 વર્ષ સુધી અખંડ રામધૂન કરવી, પણ 13 વર્ષ પછી પણ લોકોનો ભક્તોનો ખૂબ જ આવકાર મળ્યો તો પછી અનિશ્ચિત અખંડ ધૂન ચાલુ કર્યું। ચાલુ છે, આજરોજ 60મો વર્ષ અખંડ રામધૂનને ચાલુ ચાલુ છે। ગમે તેવા કપડા સંજોગોમાં પણ આ ધૂન ક્યારેય બંધ નથી થતી। આ અખંડ ધૂનનું ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં 2 વખત સ્થાન મળેલ છે, અને એ પણ આપ મેળે કોઈ એમને કહેવા નથી ગયો, એ લોકોની તમારી જેમ ટીમ આવી હતી એ લોકો લખી ગયા। અરે વાહ, શું વાત છે। તો બેઝિકલી જીસે ઉન્હોને બતાયા હમે કે કોઈ ભી પરિસ્થિતિ હો, કોઈ ભી કન્ડિશન હો, બારિશ હો, ભૂકંપ હો, કુછ ભી હો, યે ધૂન બંધ નહીં હોતી હૈ। તો ઇસસે યે ભી સાબિત હોતા હૈ કે યહાં કે લોગો મેં ઇસ મંદિર કે લિયે બહોત હી આસ્થા હૈ, ઓર ઉન્હે યે પક્કા અંદર સે દિલ સે પતા હૈ કે હમારે ભગવાન જી હમે ઓર હમારી ધરતી કો કુછ નહીં હોને દેંગે। તો અબ હમ અંદર મંદિર મેં જાતે હૈ, થોડી દેર વહાં પર બેઠતે હૈ ઓર ઇસ ધૂન કા હિસ્સા બનતે હૈ। તો જબ આપ જામનગર આયે ઇસ મંદિર મેં વિઝિટ જરૂર કરે। तो पूरी दोपहर जो है हमने वो रणमन लेक यानी कि लाखोटा लेक जो है उसके पार्क में बिताई है। यहीं पर आपको लाखोटा पैलेस, फोर्ट और म्यूज़ियम जो है वो देखने को मिलेगा। आपको हर जगह पर एंट्री के लिए अपना टिकट लेना होगा। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो भी हर जगह पर आपको अलग अलग कैमरा फीस देनी पड़ेगी। म्यूज़ियम में और पैलेस में आप रास्ते की फोटोग्राफी कर सकते हैं, अंदर म्यूजियम में कुछ फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो नो यूज़ ऑफ टेकिंग कैमरा टिकट देयर। दूसरा, पार्क में आगे घूमते हुए एक सिटी म्यूजियम है, वहाँ पर भी आपको एंट्री के चार्ज लगेंगे और कैमरा के भी चार्ज लगेंगे कि पर लकीली यहाँ पर आपको फोटोग्राफी करने देंगे। पर यहाँ ऐसा है कि जाम साहब की कुछ वस्तुएँ, एक चिड़ियाघर और एक एक्वेरियम, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक्वेरियम भी आधा खाली ही है, पर फिर भी आपको एक संतोष हो जाएगा कि हाँ आप पार्क में थे तो आपने देख लिया। तो यहाँ की शाम मैं कहूँगी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर वॉक करने आते हैं। सो सिटी के बीच में भी एक इतनी सुंदर जगह होना काबिल तारीफ है। लोकल्स ने हमें बताया कि यहाँ पर जो पूज्य फोटो है वो भूकंप के दौरान कुछ उसमें टूट गया था, तो उसका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, सो वहाँ एंट्री नहीं है। यहाँ पर इसके अलावा एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, अगर परमिशन मिली और हो सका तो हम वहाँ भी ज़रूर विजिट करेंगे। तो ये है हमारा आज का दिन आपके लिए। अगर आप आराम आराम से घूमते हैं तो जामनगर आपके लिए 2 दिन का काम है। मुझे तो यहाँ आगे थोड़ा खिजड़िया बर्ड सेंचुरी भी एक्सप्लोर करनी है और मरारा आइलैंड भी जाना है। पिरोटन में अभी परमिशन नहीं देते हैं, सो दैट आई विल मिस। पर बस तो ये समअप है हमारे आज के दिन का कि हमने जामनगर में जो देखने वाली चीज़ें हैं वो एक दिन में कंप्लीट कर दी है। और हाँ, जामनगर की जो सबसे अगर लेडीज़ को कुछ अट्रैक्ट करता है जामनगर का तो वो है यहाँ की बांधनी।
तो उसे भी कोशिश करते हैं हम ढूंढने की कोई मैन्युफैक्चर मिल जाए, तो थोड़ा आपको दिखाएंगे कि किस तरह से टाई एंड डाई साड़ीज दुपट्टे वगैरह बनते हैं। शॉपिंग तो बनता है ना, करेंगे, लेकिन ये है जामनगर में जब आप विजिट करते हैं तो देखने लायक और करने वाली चीज़ें। तो अब मुलाकात अगले एपिसोड में।